पूरन मैं गरीब के घर में रखी अमानत हूँ। दोस्तों हमारा अपना आमदार तो वो आमदार है कि शहर मालेगांव का मजदूर, शहर मालेगांव का गरीब आदमी, उसकी आंखों में और उसके चेहरे पर चमक आ जाया करती है जब वो आसिफ शेख रशीद की तरफ देखा करता है। हमारे पास एक ऐसी ढारस, एक ऐसी दीवार है फिरका परस्तों के और हमारे दरमियान आसिफ शेख रशीद जैसी, जिससे की कद्र अगर हमने नहीं की तो फिर इससे बड़ा पछतावा हमें और नहीं हो सकता। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ कायदे नस देना हूँ अली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जोरदार तालियों से आप आज के इस इस्तकबालिया तकरीब में तकरीब के सदर मोहतरम अब्दुल अजीज नाकेदार साहब मंच पे तशरीफ फरमा, नसीम खान साहब, दुराब सेठ, रियाज अली साहब, साबित गवर साहब, राजू पहलवान साहब, सुल्तान मुंबर साहब, आज मुंबर साहब, जमाल भाई, अनीश शाह, शरीफ पहलवान साहब, रियाज अली साहब, फारूक कुरैशी साहब, आइकॉन यूथ ग्रुप के सभी हमारे नौजवान साथी, सदर और राखी, यूथ कांग्रेस के गुरुवार वार्ड और शहरी सतह के ऊपर जिन लोगों को अभी आप लोगों की मौजूदगी में आप लोगों के सामने जो उदा तकसीम किया, ऐसे हमारे मिर्जा नईम साहब, मोहम्मद इसाक साहब, अवेश खान, मोहम्मद हासिम साहब और उनके सभी साथी, सबसे पहले मैं आज 15 अगस्त योम आजादी की आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ यूथ आइकॉन ग्रुप के सभी अराकीन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इन्होंने 5 साल बेमिसाल के उन्वान पर आज मेरा और हमारे सभी साथियों का इस्तकबाल किया और हमारे वो साथी मिर्जा नईम साहब, मोहम्मद इसाक साहब, अवेश खान, मोहम्मद हासिम, जिनको अभी उर्दू से नवाजा गया, मैं मेरी जानिब से, मालेगांव शहर यूथ कांग्रेस की जानिब से, शेख रशीद साहब की जानिब से, इन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि यूथ कांग्रेस को शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए आप लोग आज से ही जद्दोजहद करेंगे और साथ ही साथ इससे पहले भी एक प्रोग्राम हुआ, इसी इलाके के सभी हमारे नौजवान साथियों को भी हम लोगों ने उदय से नवाजा और कई नौजवान साथी शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए मुसलसल हमारे साथ जुड़ रहे और उनके अंदर जो हौसला मैं देख रहा हूं, यकीनन वो बहुत समझदारी का और शहर के मुफाद में, हमारी कौम के मुफाद के अंदर वो कदम बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यूथ कांग्रेस की मुख्तसर तारुफ साबिर गवर साहब ने आप लोगों के सामने रखा। मैं आज एक खास बात आपको बताऊं, जिस वक्त तो मैं कॉरपोरेटर नहीं था तो मेरी सियासी तौर पर एंट्री यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी मालेगांव शहर के उदय पर शेख रशीद साहब की सिफारिश पर साबिर गवर साहब जब उस वक्त सदर थे, मैं यूथ कांग्रेस के अंदर पहला ओहदा मैंने हासिल किया और उसके बाद
यूथ कांग्रेस का मैं कॉर्पोरेटर भी मैं समझता हूं शायद पहली मर्तबा मैं बना, और उसके बाद की जो बॉडी आने लगी मुसलसल, तो हमारे नौजवानों को कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा तरजीह दी और उन लोगों को टिकट देने का काम किया, और वो शहर में आज अपने अपने लेवल के ऊपर अपने अपने वार्ड के अंदर खिदमत अंजाम दे रहे। और मेरा जाति तौर पर यह मानना है कि जब तक नौजवान आगे नहीं आएगी, जब तक हमारी कौम के अंदर बेदारी नहीं आ सकती, हमारी कौम के मसाइल हल नहीं हो सकते, सामाजिक बुराइयां खत्म नहीं हो सकती, और हम लोग आज के इस हालात में फिरका परस्त ताकतों से कानून के दायरे में रहते हुए जब तक नौजवान आगे नहीं आएगा उनसे लड़ नहीं सकते, नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। यही सब उम्मीदें हमारे नौजवानों साथियों से मेरी है कि आप लोग इस गुरुवार वार्ड के अंदर और शहरी लेवल के ऊपर आप लोग सामाजिक खिदमत अंजाम दे, मजहबी खिदमत अंजाम दे, अपने वार्ड के मसाइल को आवाम के मसाइल को आप उठाइए, उनकी आवाज बनकर उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूं और इंशाअल्लाह इस बात का यकीन दिलाता हूं कि जो भी हमारे नौजवान साथी है, चाहे वो गुरुवार वार्ड के हो चाहे वो पूरे शहर के नौजवान हो, वो जरूर हमारे तक आइए। हम लोग आप लोगों को भी, अगर आपकी ख्वाहिश है आगे बढ़ने की, तो जरूर आपको अलग अलग विंग के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर हम लोग पौधा देने के लिए तैयार हैं। रियाज अली साहब यहां पर बोल रहे थे कि तो क्रिकेट की बात, क्या वो ऑलराउंडर की जरूरत है या ऑलराउंडर की या बोल बचन। असल में वो ऐसा बोलना चाहिए था कि सेंचुरी बनाने वाले की जरूरत है या हिट विकेट होती ना उसकी जरूरत है। यह सच बात, इलेक्शन की शुरुआत, प्रचार की शुरुआत 2019 की असेंबली की शुरुआत मैं कल से बिस्मिल्ला नगर से बिस्मिल्ला करने जा रहा हूं। उसके बाद शनिश्चर के रोज रोजाना मुसलसल रोजाना शनिश्चर के दिन गुलशेर नगर डिपो के अंदर आऊंगा, फिर निहाल नगर जाऊंगा, ऐसा क्रॉसिंग मैंने पूरे शहर का प्रोग्राम बनाया है। भाई कहता दोपहर 2 बजे से जोहरबाद से एक एक घर जाऊंगा, मुलाकात करूंगा और रात में उसी इलाके के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम लेकर मेरी 5 साल की कारकर्दगी जो आवाम को बड़ी स्क्रीन के ऊपर मालेगांव स्कूल में बताई गई थी वही फिल्म उसी मोहल्ले के अंदर स्क्रीन की गाड़ी लगाकर भाई कहता दिखाई जाएगी और उसके बाद वो प्रोग्राम इसी तरीके से प्रोग्राम होगी। मैं कुछ 2-3 महीनों से बहुत ताज्जुब कर रहा हूं, बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती कि मालेगांव शहर की सियासत किस रूट के ऊपर जा रही है, कौन सी तरफ ये शहर को ले जाने की तैयारी चल रही है। जातियात पर तनकीद सोशल मीडिया के जरिए हो रही है। बात छोटी है, बहुत बड़े बनाकर उसको पेश करने की कोशिश की जा रही है। मुझे तो यह समझ में आ रहा है कि सामने वालों का बस नहीं चल रहा, न तो तुम्हारा उम्मीदवार ये गायब ना कर दे, इनका बस चलेगा तो तुम्हारा उम्मीदवार गायब कर दे। लेकिन अल्लाह का करम है, शहर की आवाम सब बात को जानती है। इन 5 सालों के अंदर इस शहर के अंदर किसने काम किया और पिछले 5 साल के अंदर किसने क्या किया, ये शहर की आवाम जानती है अच्छी तरीके से।
कहीं गडर साफ नहीं हो रही तो बोले एमएलए क्या कर रहा है। ताज्जुब की बात, कहीं कुछ रोड खराब है, बारिश है, अल्लाह ने बारिश बरसाई, अल्लाह की ने रहमत बरसाई हमारे शहर में, पिछले साल की बनिस्पत ज्यादा बारिश हुई, जाहिर सी बात है रोड खराब हो गए, रास्ते खराब हो गए, तो एमएलए क्या कर रहा है। जो लोग भी मुंबई जा रहे होंगे, नेशनल हाईवे नंबर 3 जाकर आप लोग मुंबई जो 4 घंटे में जाते थे 6-7 घंटे में पहुंच रहे, इतना बड़े बड़े खड्डे हुए। महाराष्ट्र का कोई भी शहर इससे नहीं छूटा हुआ है, बारिश की वजह से रास्ते खराब। एमएलए क्या कर रहा है, एक पोस्ट मैंने पढ़ा, बड़ी ताज्जुब की बात है कि फ्लाईओवर ब्रिज बन जाएगा तो मैंने बस स्टैंड उधर चले जाएगा, अजीब दलील। असल में ये लोग चाहते हैं कि शहर की आवाम को मिसगाइड करके शेख आसिफ को इलेक्शन हरा दो, और यकीन मानो इस बात, शहर की आवाम इस बात को जानती है कि ये लोग ये चाहते हैं, ये सामने वाले जितने भी अपोजिशन पार्टियों के लोग हैं, कि शेख आसिफ को इस मर्तबा किसी भी हालत में रोकना जरूरी है। इन्होंने ये तैयारी कर ली है, मैं कौन सी पार्टी से लड़ने वाला हूं, कैसे लड़ने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, इस पे भी चर्चाएं चल रही है। कौन क्या है? सोशल मीडिया पे लिख रहा, कौन क्या अखबार के अंदर लिख रहा, शेख आसिफ आप लोगों की वजह से, शहर की वजह से, मैं अकेला फैसला नहीं कर सकता। जिस दिन आप लोगों ने फैसला कर दिया कि आपको फरा पार्टी से लड़ना है, मैं वो फैसला करूंगा, शेख आसिफ अपनी नहीं दिखाएगा। लेकिन तैयारी जो जिस अंदाज से की जा रही है शहर में, वो आप लोगों को समझ रहा है। मेरा साफ तौर पर बोलना है, जिस शख्स ने कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी पिछले 5 साल, 2009 से 2014 तक कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, अरे वो शख्स ने वो सेकुलर सरकार के सामने हाउस के अंदर कुछ एक लफ्ज नहीं बोला, ये क्या फिरका परस्त सरकार के सामने जाकर बोलने वाले, एक लफ्ज नहीं बोला, क्या बोलेंगे? अब मौका दो, और अल्लाह का करम है, आप लोगों को फक्र होना चाहिए कि तुम्हारा नुमाइंदा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने डटकर 5 साल असेंबली के अंदर बोला, असेंबली के अंदर क्या तलवार लेके लड़ने जाना पड़ता है क्या, मुझे बताओ, कि वहां पर तलवार से किसी को जाकर मारना पड़ता है क्या, कि वहां पर बंदूक ले आके गोली मारना होता है क्या, वहां पर सिर्फ बोलना ही होता है ना, असेंबली के अंदर आवाम की नुमाइंदगी करना ही होती है, आवाज पहुंचाना ही का काम है ना, तो मुझे बताओ कि इन 5 सालों के अंदर, कि इन 5 सालों के अंदर आजाद हिंदुस्तान के बाद जब भी असेंबली कायम हुई वहां से लेकर आज तक, अगर मेरे से ज्यादा किसी ने वीडियो बता दी असेंबली की तकरीर की, ये शेख आसिफ असेंबली नहीं लड़ेगा, क्या नहीं बोला गया? ट्रिपल तिलाक के ऊपर, जबकि ये मरकजी हुकूमत के इख्तियार के अंदर बात है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जुलूस निकले, हमारी मां बहनों रास्तों के ऊपर आई, लाखों की तादाद में आई, पूरा महाराष्ट्र के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान के ऊपर, रास्ते के ऊपर हमारी मां बहनें आई, महाराष्ट्र के अंदर मालेगांव में आई, औरंगाबाद में आई, भिवंडी में आई, मुंबई में आई, नागपुर में आई, अलग अलग शहरों के अंदर लाखों की तादाद में आई सरकार के इस फैसले के खिलाफ। मुझे आप कोई बता दो
महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जितने मोर्चा निकला हमारी मां बहनों का, खवातीन का, कोई एमएलए ने वहां पर आवाज उठाई कि उनकी हमदर्दी के अंदर? आपका नुमाइंदा था कि असेंबली के अंदर बोला कि हमारी भावना है, हमारी आवाज महाराष्ट्र की हुकूमत केंद्र तक पहुंचाए, किसी ने बोला? मॉब लिंचिंग की बात आई, यहां जुलूस निकल रहा, हमारे गांव में अलग अलग एहतजाज हो रहे, हमने ये नहीं देखा कि जमीतुल उलमा के सदर कौन है और कौन निकाल रहे? हमने जमीतुल उलमा का पार्टी देखी, पूरा शहर एक हुआ और जुलूस के अंदर हमने हिमायत की। मुझे कई लोगों ने सवाल किया कि आज जुलूस के वक्त मालेगांव में रहो, मैं उस वक्त नहीं था। जुलूस खत्म होता है मालेगांव शहर का और महाराष्ट्र की असेंबली चल रही थी, मैंने वहां पर असेंबली के अंदर जब जुलूस चल रहा था उसी वक्त महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर आवाज उठाई कि मालेगांव शहर के अंदर लाखों की तादाद के अंदर जुलूस निकल रहा है, मॉब लिंचिंग महाराष्ट्र के अंदर भी हो रही है, मुंबरा का मैंने उदाहरण दिया, ये बंद होना चाहिए। और ये भी बात कही कि ये बोलकर मारा जा रहा कि वंदे मातरम बोल, भारत माता की जय बोल, जय श्री राम बोल, ये बोलकर मारा जा रहा, ऐसा बोला और मैंने कहा कि किसी को तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते और मैंने ये बात भी महाराज जी के असेंबली के अंदर कही, अगर कोई मुझको भी बोलेगा तो मैं भी नहीं बोलने वाला हूं। मुझे बताओ किसी ने ऐसा बोला क्या असेंबली के अंदर? मेरा सवाल है आप लोगों से, किसी ने बोला? आपके नुमाइंदे ने वहां पर बोला, आपके नुमाइंदे ने वहां पर नुमाइंदगी, मुंशी शाहबान नगर गए, मासूम बच्चा किडनैप हो गया, गायब हो गया, आज तक उसका पता नहीं, ना मैं उसके मां बाप को जानता था, हमारे जिम्मेदारान इस वार्ड के आए कि वो लड़का इस दिन से लापता है, वो जाकर उनके घर वालों से आप पूछिए, उनकी उनके घर के उनके परिवार को लेकर महाराष्ट्र के वजीर आला से मिलाया कि इनका बच्चा गायब हो गया और उसी दिन वो बच्चे के नाम लेकर ये बोला कि मुंशी साहबान नगर का बच्चा गायब हो जाता रहा, मालेगांव शहर की पुलिस अभी तक नहीं ढूंढ पाती। मुझे बताओ आप कैसा नुमाइंदा आपको चाहिए? एक मासूम बच्चे अगर किडनैप होता है तो उसका असेंबली के अंदर बोलता हूं? मुझे बताओ कोपर गांव के अंदर एक मुख्य लड़की के साथ बलात्कार होता है, मुसलमान है, हमारे गांधीनगर के कुछ नौजवान मेरे पास उस वक्त आए कि ऐसा ऐसा हुआ, हमने जाकर कोपर गांव के अंदर दौरा किया, वहां पर पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया और महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर बोला। कोपर गांव से हमारा कोई लेना देना, लेकिन क्यों? कि वो सिर्फ वो मुक्की लड़की मुसलमान थी, उसका बलात्कार कर दिया गया था गैरों ने, महाराज जी के संबली के अंदर होगा। एक निसार तामोली, पहली मॉब लिंचिंग महाराष्ट्र के अंदर हुई थी निसार तामोली के साथ, कोपर गांव फाटे के ऊपर उसको मार डाला गया। तामोली जमात के सब नासिक डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारान मेरे पास आए, अहमदनगर के जिम्मेदार मेरे पास आए, उनको डीजी से ले जाकर मुंबई के अंदर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मिलाया जो महाराष्ट्र का बॉस होता है, सेक्रेटरी से मिलाया और महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर बोला कि मॉब लिंचिंग हुई, कैसा नुमाइंदा चाहिए? नंदुरबार के अंदर फसाद होता और कौन लोग फसाद कर रहे थे वो बोला हूं, हरसूल के अंदर फसाद होता है वो बोला हूं, औरंगाबाद के अंदर फसाद हुआ तो मंत्रालय की सीढ़ियों के ऊपर बैठकर हम पांच मुस्लिम एमएलओ ने धरना देकर सरकार के खिलाफ, वजीर आला ने टाइम नहीं दिया, रमजान महीना था। अब मुझे बताओ ये शहर को कैसी नुमाइंदगी, शहर को फैसला करना है, ये तो सिर्फ नुमाइंदगी की मैं बात कर रहा हूं,
शहर का विकास जो लोग आप लोगों के सामने हजारों लोग का ऑपरेशन अगर कोई कराता वजीर आला फंड से पैसा ला के हमारे शहर के आवाम का चाहे हमारी बहने हो बुजुर्ग हो नौजवान हो बच्चे हो सब ऑपरेशन की कोई मेरे पास आए उनको पैसा दिला के एडमिट कराना उनका ऑपरेशन करवाना पैसा मंजूर करके लाखों की तादाद के अंदर ला कर देना ये शेख रशीद साहब ने शुरुआत किसको आगे बढ़ाने का काम किया मुझे बताओ अभी हिल स्टेशन बना और मुखालफत कौन लोग कर रहे हैं जिनके जेब में भरपूर पैसा रुपया है वो गाड़ी कर सकते हैं उनकी प्राइवेट गाड़ी में उनकी फैमिली को बैठाकर उनके बच्चों को बैठाकर वो दुनिया घूमकर आ सकते हैं वो लोग मुखालफत करेंगे वहां पर खुराफात होगी उन नालायकों को ये पता नहीं है जब ईदगाह की चौपाटी के ऊपर मां बहने पुरखों में जाती थी जब शर्म नहीं आई जब आवाज नहीं उठाई तुमने इसके पीछे मेरा मकसद था कि हमारे इलाके के अंदर होना चाहिए और अगर बना और अगर हमारे गरीब भाई अपनी फैमिली को ले जाकर वहां पर अगर दो घंटे का वक्त गुजार रहे उनके साथ और उनको खुशी मिल रही है क्या बुराई अगर उर्दू घर बन रहा है बन के कंप्लीट हो गया 31 अगस्त या 1 सितंबर को उसका उद्घाटन होने जा रहा है मैं यकीन के साथ बोल रहा हूं बड़ी मालेगांव स्कूल के पीछे आप लोग जाइए नासिक डिस्ट्रिक्ट में अगर सरकारी इमारत इससे ज्यादा कोई खूबसूरत मुझे बता दे तो आज जो सजा देंगे मुझे मंजूर 40 टन का एसी लग चुका पूरा ऑडिटोरियम एसी होगा वो लाइब्रेरी बनी वो लाइब्रेरी के अंदर हमारे बच्चे जो बच्चा हमारा 10वीं पढ़ रहा 11वीं पढ़ रहा 12वीं पढ़ रहा आला तालीम ले रहा वो जाएगा अपना बैग मुझे बताओ अगर अयूब नगर के अंदर घर कितने भाई कितने के 50 बाय 50 के पलाये क्या 13 बाय 26 के हो गए 10 बाय 20 के हो गए क्यों वो बच्चों को हक नहीं है तालीम हासिल करने का उसमें रहना भी है उसमें खाना भी है उसमें सोना भी है उसमें तालीम भी लेना है वो बच्चों के लिए बनाया गया कि वो बच्चा बस्ता लेगा किताबें लेगा जाएगा वहां पर फ्री में बैठेगा इसी के अंदर टेबल कुर्सी पर बैठेगा और वहां जाकर उसकी स्टडी करेगा उसको किताबें मिलेगी उसको जो किताबें लगेगी निकाल के पढ़ेगा और वो आगे बढ़ेगा कॉन्फ्रेंस होगी तालीम की कॉन्फ्रेंस होगी प्रोग्राम हो गए तो अगर मैंने शहर के अंदर किया हमारे अपने इलाके के अंदर किया तो क्या गलत किया